हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस रिवीजन बुलेट में, जिसमें हम ऑडिट के एक एक करके कई सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और इसमें करेंगे हम ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। सबसे पहले सबसे काम की बात, एग्जाम में इसका वेटेज कितना आता है। इफ यू सी द वेटेज फ्रॉम आर क्वेश्चन बैंक विच कंटेन्स वेटेज ऑफ एवरी चैप्टर इन द पास्ट एग्जाम्स अंडर द न्यू सिलेबस, वी विल फाइंड इंश्योरेंस कंपनी पे यू कैन Easily say you can expect one question of 4 to 5 marks. इतना बड़ा chapter और सिर्फ एक सवाल, special audit के ज्यादातर chapters में से आपको एक सवाल ही मिलेगा। इसका मतलब आपको ये chapter definitely करना चाहिए। पर ये तो बहुत lengthy chapter है, तो सर हम कैसे cover करेंगे? आपके पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर वन, आप drone chart से या ICI के study material से, जो कि आप यू समझ सकते हो ये उसका सुंदर रूप है, वहां से आप इसको revise कर सकते हो। It's going to take a lot of time. या दूसरा तरीका है, इस रिवीजन वीडियो को आप देख लीजिए, जिसमें मैंने ड्रोन चार्ट से ही शॉर्ट नोट्स इस तरह के बनाए हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से फटाफट इस चैप्टर को रिवाइज करके एटलीस्ट एग्जाम में 5 मार्क के क्वेश्चन में सही आंसर लिख के में भी 3+ स्कोर कर पाएंगे। ज्यादा डिटेल में पढ़ के शायद आप पॉसिबली 4 से 5 कर पाएंगे। 5 में से 5 देते भी हैं क्या? अपनी एक स्टूडेंट को 87 मार्क्स आए May 22 के पेपर में, तो शायद 5 में से 5 मिलने की गुंजाइश तो है। एनी विच वेज, ये जो नोट्स मैंने आपको बनाए ये ड्रोन चार्ट से बने, ड्रोन चार्ट ICI के स्टडी मटेरियल से बनाए, और ये नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो इन केस अगर आपके पास ड्रोन चार्ट्स नहीं भी है, तो यू डोंट हैव टू रियली बाय अ बुक, यू कैन जस्ट फॉलो दीज पर्टिकुलर नोट्स। शुरुआत करते हैं दोस्तों ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें हमें डिस्कस करना है दोनों लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट। साइरस मिस्त्री साहब चल बसे 70 लाख की मर्सिडीज की गाड़ी में बैठे थे, लेकिन ऊपर वाले के सामने किसकी चलती है? ऐसी सिचुएशन में अब बारी आई इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने की। तो जो गाड़ी डैमेज हुई है, उसका जो हमें रीइंबर्समेंट मिलेगा, विच विल बी इक्वल टू द डेप्रिशिएटेड वैल्यू और द मार्केट वैल्यू ऑफ द कार, provided it is adequately insured, this is known as a general insurance contract, जिसमें हम risk insure करते हैं and loss जो actual में हुआ है उसका reimbursement मिलता है। But सारस मिस्त्री साहब के परिवार को उनकी life जाने के कारण भी एक insurance का amount मिलेगा, अगर उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है। और ये अमाउंट क्या एक्चुअल लॉस के बराबर होगा? नहीं, क्योंकि किसी की लाइफ की एक्चुअल वैल्यू आपको पता नहीं हो सकती है। तो दिस इज ट्रीटेड एज अ बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द वैल्यू ऑफ द लाइफ इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स एंड पैरामीटर्स, and that amount is known as the sum insured or assured in the contract. तो अगर हम effectively देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि insurance अपने आप में क्या है। If I just very quickly show you what is the differentiation between drone chart and these summary notes, let's see point number one from here. What is insurance? It's a contract between two parties where one party undertake to indemnify the other party or undertake the risk of the other party in consideration of premium, for which either it will promise to pay a fixed sum. Cyrus Mitri ke case mein hum ek fixed sum pay karenge, jo sum insured hoga, jo unhone insurance liya hoga apni life ka, so undertake to pay a fixed sum of money on happening of an uncertain event. तो सर इसका मतलब सारस मिस्त्री साहब अगर कभी बच जाते तो उनका वो पैसा पूरा LIC का डूब जाता क्या? ऐसा नहीं है, LIC के केस में मैच्योरिटी पर भी पैसा मिलता है, इसलिए यहां लिखा है और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, ये LIC की बात हो रही है। और टू इंडेमनिफाई द अदर पार्टी ऑन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट, ये जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है, यहां पे सिर्फ इंडेमनिफिकेशन होगा। Easier way of studying this is we can simply say ki it is ultimately a contract between two parties where one party undertake risk of the other party for consideration of premium to pay either a fixed sum on happening of an uncertain event or on completion of the term or to indemnify for loss on happening of an uncertain event. Iska matlab general insurance is an indemnity contract because you are reimbursing the loss.
Whereas life insurance is a benefit contract because there you are determining a deemed loss and you are basically giving that amount which is not actually a reimbursement of the loss. तो इसके साथ अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा डिस्कशन अब कहां से शुरू होगा. तो इस पूरे चैप्टर में हमें डिस्कस करना है एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आप ऑडिट करोगे तो उनमें क्या टर्म्स हैं, कैसे उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट है, और फिर उनमें प्रीमियम क्लेम्स एजेंट कमीशन खर्चे इन सब चीजों को कैसे ऑडिट किया जाएगा. ये हम लाइफ के लिए भी पढ़ेंगे, यही हम जनरल इंश्योरेंस के लिए भी पढ़ेंगे. लेकिन द वे वी आर गोइंग टू स्टडी इज हम लाइफ और जनरल इंश्योरेंस में जो जो कॉमन चीजें जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट एंड स्टफ लाइक दैट, वो सारी कॉमन चीजें पहले साथ में कवर कर लेंगे और जो स्पेसिफिक ऑडिट रिलेटेड पॉइंट्स है वो बाद में लाइफ के अलग और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अलग से कवर करेंगे. तो दोनों में क्या फर्क है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको चार मुद्दों में डिफरेंशिएशन देना पड़ेगा. नंबर वन, लाइफ इंश्योरेंस इज एन इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसमें डेथ हुई तो भी सिक्योर्ड, यानी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, बच गए तो भी पैसा मिलेगा, नहीं बचे तो उस पर्टिकुलर केस में अपने को नहीं दूसरों को मिलेगा. जनरल इंश्योरेंस ऐसा नहीं. लाइफ इंश्योरेंस का टर्म एक साल लंबा भी हो सकता है, जनरल इंश्योरेंस यूजुअली एक साल और फिर रिन्यू कराना पड़ता है. सर्टन पे आउट लाइफ में आएगा ही आएगा पैसा, नॉर्मली जनरल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है. तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं मल्टीपर्पज है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट. जनरल इंश्योरेंस बॉस ऐसा नहीं है. लीगल फ्रेमवर्क, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है क्या एग्जाम में जिसमें बोले कि लीगल फ्रेमवर्क डिस्कस करने का, बिल्कुल आ सकता है. तो आपको क्या लिखने का है लीगल फ्रेमवर्क में, तो देखो अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही लगेगा, उसको साइड करो. इंश्योरेंस में क्या लगता है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 जिसको I-38 कहेंगे अब हम, याद रखना RBI एक्ट 34 है, इंश्योरेंस एक्ट 38. फिर इसके अलावा इसकी एक रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, कई बार आगे आई और लगा देते हैं, ऑफ इंडिया. इसका एक्ट बना 1999 में, तो एडा एक्ट 1999, एंड देन वी हैव एडा रेगुलेशंस व्हिच वर आल्सो मेड इन 1999, कंपनीज एक्ट 2013. इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी सबसे मोटा पैसा अपना किससे बनाएगी, इन्वेस्टमेंट से. क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस होता है एडवांस में. सेक्शन 64VB स्पेसिफिकली कहता है कि कोई भी भारत में इंश्योरेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक आपके पास पैसा एडवांस में ना आ जाए, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए. इसलिए इंश्योरेंस कंपनी विल कम टू दैट, पहले पैसा लेती है उसके बाद में आपका रिस्क इंश्योर करती है. तो पैसा पहले आ गया और रिस्क इंश्योरेंस साल भर के लिए हो रहा है, तो आपके पास एडवांस पैसा आया उसका आप क्या करेंगे, उसका हम हवन करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे. तो इन्वेस्टमेंट ये कहीं पे भी नहीं कर सकते, इसलिए इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की लंबी चौड़ी गाइडलाइन है जिसका डिस्कशन अपने को करना होगा. तो दैट इज व्हाई वी हैव एडा इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2013. ये तो कंपनीज एक्ट के साथ वाला साल है, चलो याद हो जाएगा. इन सब में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हाईलाइट किया गया है, जिसे बोलते हैं एडा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ब्रैकेट क्लोज रेगुलेशंस 2000, जिसे हम कहेंगे R 2000. क्या है ये, इसके अंतर्गत बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के और ऑडिटर्स रिपोर्ट के क्या फॉर्मेट होंगे, और ये हमारे इस चैप्टर का सबसे बड़ा डिस्कशन. चलिए कमिंग ऑन टू द डेफिनेशन, इंश्योरर कौन है. इंश्योरर बेसिकली इज अ पर्सन विच इंक्लूड्स, तो यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन में ऐसे कहा गया इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 1999 से पहले की है तो कर सकती है अभी कंटिन्यू, अदरवाइज विलुप्त हो गई है ये. स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गई जैसे, या फॉरेन कंपनी ओनली फॉर द पर्पज ऑफ री इंश्योरेंस. फॉरेन कंपनी इंडिया में ब्रांच खोल के री इंश्योरेंस दे सकती है बस. पॉलिसी होल्डर किसे माना जाएगा, जिसके नाम की पॉलिसी है, पर यहाँ बोला गया इंक्लूड्स द पर्सन हु इज बेसिकली व्हाट द एब्सोल्यूट बेनिफिशियरी, जिसको बेनिफिशियरी की जगह असाइनी कहा जाता है, जिसको वंस फॉर ऑल सारे बेनिफिट्स पॉलिसी के असाइन कर दिए गए, वो एब्सोल्यूट असाइनी, उसे पॉलिसी होल्डर माना जाएगा. तो मैंने सपोज कोई इंश्योरेंस कराया और मैंने वो जो असेट पे इंश्योरेंस कराया है, ऐसे फायर इंश्योरेंस, वो गिरवी रखा हुआ है बैंक के पास जिसके अगेंस्ट में लोन लिया, और मैंने बैंक को एब्सोल्यूट असाइन ही कर दिया है, तो फिर उस केस में वो पॉलिसी होल्डर हो जाएगा. हालांकि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कंडीशनल करूंगा कि भाई जब तक मेरा लोन रिपे नहीं हो रहा तब तक के लिए, तो अगर कोई पार्शियल या डिफेंसिबल है यानी कि सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर उसे पॉलिसी होल्डर नहीं माना जाएगा, जिसने पॉलिसी ली है वही उसका पॉलिसी होल्डर माना जाएगा. तो अगर एब्सोल्यूट बेनिफिट्स असाइन कर दिए जाते हैं तो फिर उस केस में वो भी पॉलिसी होल्डर हो जाएगा. इसमें याद रखना है आपको कि नॉमिनी इज नॉट द पॉलिसी होल्डर. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 64VB कैपिटल क्या कहता है,
पहले प्रीमियम उसके बाद दरिश शुरू। तो अगर आपको ऐसा बोले कि हमने क्या किया, पॉलिसी इश्यू कर दी और प्रीमियम आने वाला था और 5 दिन बाद आ गया, तो बताइए क्या इस दौरान कोई रिस्क अगर लॉस हुआ है तो क्या हमें रिइंबर्स करना है? नहीं, भारत में इंश्योरेंस क्रेडिट में नहीं बेच सकते। तो कोई आप इंश्योरेंस पॉलिसी इंडिया में बेच रहे हो, इंडिया के बाहर बेच सकते हो, वहाँ के लॉ के अनुसार परमिटेड है, वहाँ आपको कभी उधारी मिले हमें नहीं मालूम। इंडिया में बेच रहे हो तो प्रीमियम पहले आना चाहिए। तो ईदर यू हैव रिसीव प्रीमियम और द प्रीमियम हैज बीन गारंटीड। और अगर एडवांस में प्रीमियम का अमाउंट निकाला जा सकता है तो कैश या चेक से प्रीमियम का पेमेंट हो जाना चाहिए। कभी चेक का पेमेंट आज हुआ सर और क्लियर 3 दिन बाद हुआ तो क्या माना जाएगा? कब हुआ है पेमेंट? आज, ना कि 3 दिन बाद। पर बाउंस हो गया तो मानेंगे पेमेंट ही नहीं हुआ। कौन रजिस्टर कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी भारत में? 100 करोड़ हो जिसके पास, 100 करोड़। तो इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर इंश्योरेंस कंपनी यू नीड टू हैव वॉट? यू नीड टू हैव पेड अप कैपिटल नेट ऑफ योर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शुरू के खर्चे काटने के बाद, यानी थोड़ी सौ से ज्यादा लगाना पड़ेगी अगर शुरू के कुछ खर्चे हैं तो। 100 करोड़ की मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी तो आप इंडिया में एक इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? इट इज अ सबसेट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो हेल्थ, ट्रैवल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है। आपके सिलेबस में जो ज्यादा बातें नहीं लिखी हुई है या मॉड्यूल में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर भी नहीं लिखा है। फॉरेन कंपनी इंडिया में रजिस्टर सिर्फ री इंश्योरेंस के लिए, तो उसको थोड़ा बाहर का फिरंगी आदमी आएगा तो पैसा ज्यादा नहीं मांगेगा अपन उससे, तो अपन बोलेगा बाबा तू 200 करोड़ रुपए लेके आ, तो उससे 200 करोड़ रुपए मांगेंगे री इंश्योरेंस के लिए। वो सब मॉड्यूल में नहीं है तो इस डिस्कशन से भी बाहर हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज री इंश्योरेंस? व्हेन यू इंश्योर द रिस्क ऑफ एन इंश्योरर, सो इंश्योरेंस ऑफ पार्ट ऑफ एन इंश्योरर्स रिस्क बाय अनदर इंश्योरर फॉर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल। तो जब भी इंश्योरेंस की बात आएगी, इन कंसिडरेशन ऑफ प्रीमियम की बात आएगी, तो जब मैं किसी इंश्योरर का एक रिस्क का पार्ट खुद इंश्योर कर देता हूं तो मैं री इंश्योरर कहलाऊंगा। अब मुद्दे की बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी कैसे बनाती है? तो सेक्शन 129 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के शेड्यूल 3 के फॉर्मेट उनके ऊपर लागू नहीं होते। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंतर्गत बनाई गई ईडा, उसके अंतर्गत बनाई गई रेगुलेशंस R2000, उसके अंतर्गत बनाए गए 3 शेड्यूल, शेड्यूल ए लाइफ इंश्योरेंस, शेड्यूल बी जनरल इंश्योरेंस और शेड्यूल सी ऑडिटर्स रिपोर्ट का फॉर्मेट, वो भी दिया गया। और शेड्यूल ए और शेड्यूल बी के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बनानी है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ना कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जैसा सर कुछ कुछ बोल सकते हो आप, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, नहीं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ओए वो लेजर जैसा नहीं बनेगा, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसा ही पर डायरेक्ट मेथड से बनेगा और नाम होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ऐसा लाइफ इंश्योरेंस को या जनरल इंश्योरेंस को, दोनों को बनाने का, तो दोनों का फॉर्मेट सेम है क्या? ऑब्वियसली अलग अलग है थोड़ा, ऐसा है कि इसीलिए फॉर्मेट अलग अलग दिए गए। इन फॉर्मेट को नाम दिए गए हैं, तो LIC की बैलेंस शीट का नाम होगा ABS, तो बताओ जनरल इंश्योरेंस की बैलेंस शीट का नाम क्या होगा? BBS। क्यों? क्योंकि दैट इज शेड्यूल बी और फॉर्म का नाम है बैलेंस शीट। तो P&L अकाउंट का क्या होगा? अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है तो APL और जनरल इंश्योरेंस का है तो BPL। एंड देन वी हैव द रेवेन्यू अकाउंट्स एंड देन यू हैव द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिसका कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है पर उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना गया। चलो थोड़ा सा हम तुमको समझाने के लिए क्या करता है, कुछ बेसिक चीज से बताता है। एक फटाक से देख लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी SBI लाइफ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमको फटाफट बता देते हैं। मुझे लगता है एक बार ये देख लोगे तो इससे एक फायदा ये होगा कि तुम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे अपने डिस्कशन को। सबसे पहले आता है ट्रेडिंग अकाउंट जैसा रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट को कहा जाता है पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट या टेक्निकल अकाउंट। इसमें जो पॉलिसी होल्डर का पैसा आया है उससे रिलेटेड सारा इनकम एक्सपेंस यहां पर दिखेगा। तुमने NGO में फंड अकाउंटिंग की होगी ना, कि अगर तुमको प्राइस फंड के लिए पैसा मिला है तो तुम क्या करोगे? प्राइस फंड में लेओगे और उसी से खर्चे एडजस्ट करोगे, उसका सेपरेट लेजर बनाओगे। बिल्डिंग फंड मिला है तो उसका सेपरेट लेजर बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे पॉलिसी होल्डर का जो पैसा आया है वो शेयर होल्डर के पैसे से अलग है, तो पॉलिसी होल्डर का पूरा पैसा अलग से रिकॉर्ड किया जाता है कि पॉलिसी बेच के कितना प्रीमियम आया, इसको कितना क्लेम दिया, इस पे कितना खर्चा हुआ, इनके खर्चे भी अलग से रिकॉर्ड किए जाएंगे। इससे इन्वेस्टमेंट किया होगा तुमने, उस इन्वेस्टमेंट की इनकम भी रेवेन्यू अकाउंट में आएगी। ऐसा लगता है ट्रेडिंग अकाउंट बोल दूं तो लगेगा इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे आएगी? बॉस वो भी यहां पर आएगी। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू अकाउंट बोलने का है, ये एक्चुअल में पॉलिसी होल्डर अकाउंट है। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर है, ओनर है, उन्होंने पैसा लगाया और वो पैसे से अगर आप ब्याज कमा रहे हो तो वो कहां जाएगा? P&L अकाउंट में। तो P&L अकाउंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट? इट इज टर्म्ड एज शेयर होल्डर फंड अकाउंट।
तो एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, ये आप देख लीजिए फॉर्म ए आर ए विच इज इंश्योरेंस कंपनी, जिसे टेक्निकल अकाउंट का भी नाम दिया गया है, एंड देन ए पी एल जिसमें आप देखेंगे तो इट सेज शेयर होल्डर अकाउंट नॉन टेक्निकल। इसमें पॉलिसी होल्डर अकाउंट का सरप्लस है वो यहां पर आ जाएगा, और उसके बाद में फिर इसकी खुद की क्या इनकम होगी, तो शेयर होल्डर फंड से तो नॉर्मली आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम होगी, तो वो सारी तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाएगी, जो भी आपके बिजनेस के खर्चे हैं वो सब आ जाएंगे, एंड देन यू विल हैव फाइनल ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एंड देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ईपीएस। ईपीएस इसके बाद शो किया जाएगा। ध्यान रखना टैक्स पॉलिसी होल्डर का भी पॉलिसी होल्डर अकाउंट से ही दिखाया जाता है, और ये सब उठा के फिर कहां पे ले जाएंगे, बैलेंस शीट में। ध्यान रखना बैलेंस शीट में भी आपको इन्वेस्टमेंट्स में पॉलिसी होल्डर और शेयर होल्डर के अलग अलग बताना पड़ेंगे। तो फंड अपने को फंड अकाउंटिंग करना है, ऐसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। क्यों? बेसिक फंड है कि भैया म्यूचुअल फंड है, तो मैंने यूनिट इशू किया तो यूनिट होल्डर के जो पैसे आए वो मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसकी एनएवी बनेगी, उसकी एनएवी से मैं उसको क्या करूंगा, पैसा दूंगा। तो इसके लिए मुझे मेंटेन करना पड़ेगा उसके पैसे, और उसके पैसे कहां इन्वेस्ट किए उसका ब्यौरा अलग से। सेम लॉजिक यहां पे चलता है। तो सर पॉलिसी होल्डर को अपने को थोड़ी ना रिटर्न देना पड़ेगा। तो देखो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में भले ही आप रिटर्न ना दो, वहां पे हालांकि रिटर्न अलग तरह से दिया जाता है, कैसे कि आप क्लेम नहीं लोगे तो आगे आपको बोनस मिलेगा, हम प्रीमियम कम चार्ज करेंगे, ऑल दैट स्टफ। लेकिन एलआईसी के केस में अगर आपको आपने पॉलिसी ली और अगर वो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, तो आपकी प्रीमियम से हमारी जो कमाई हुई खर्चे काटने के बाद अगर उसमें प्रॉफिट बचता है तो उसमें से बोनस आपके साथ भी शेयर किया जाता है, जिसे पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी बोली जाती है। इसके लिए पॉलिसी होल्डर के सेपरेट आपको मेंटेन करना कंपलसरी है, फिर वो भले ही यूनिट लिंक्ड प्लान हो या ना हो, पार्टिसिपेटिंग हो या ना हो, बहुत ज्ञान मिल गया, काफी है इतना। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि प्रीमियम क्लेम्स और सारे शेयर होल्डर फंड्स के लिए आप बनाएंगे बैलेंस शीट, पीएनएल, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट और रेवेन्यू। इनमें से इसका फॉर्मेट नहीं दिया है पर यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू आपको इस पर भी देना पड़ेगा। ये तीन शेड्यूल है आपके जो सबके फॉर्मेट बताते हैं। सेगमेंट रिपोर्ट आपको देना अनिवार्य है, और सेगमेंट रिपोर्ट आप देंगे कैसे, तो यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेट रेवेन्यू अकाउंट्स और गिव अ डिस्क्लोजर। यहाँ पे एएस 17 आप यू समझ लीजिए लगेगा ही लगेगा, एएस 17 कंपलसरी है, याद रखना है। इन डेज तो ये कंपनियां फॉलो कर ही नहीं सकती है, तो अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन पे लगेगा। इंट्रोडक्शन हो गया, वो बताते हैं ऑडिट पे। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कौन करेगा? सबसे पहले कंपनी है अगर आप, तो कंपनी एक्ट में ही आपका ऑडिट होगा। कंपनी नहीं हो तो इंश्योरेंस एक्ट में भी लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 12 में कि हर इंश्योरर को अपना ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराना है। वाह वाह इंश्योरेंस एक्ट, तूने हमारी दाल रोटी का ख्याल रखा है। साथ ही साथ में हाफयरली रिव्यू कराना पड़ेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर के द्वारा। इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अगर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है नेशनल इंडिया, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, ये सब, इन सबका ऑडिट कौन करेगा? ये सब गवर्नमेंट एंटिटी है, तो इसका ऑडिट सीएनडीजी करेगा। मैंने अभी आपको जो रिपोर्ट दिखाई थी एसबीआई लाइफ, उसमें भी सीएनडीजी ऑडिटर है, वो अपॉइंट करता है सीए को और वो अपनी रिपोर्ट सीएनडीजी को देता है, जो उस पर अपने कमेंट्स अटैच करके मेंबर्स में सर्कुलेट करता है। हालांकि एलआईसी में ऐसा नहीं होता, और एलआईसी का कौन ऑडिटर होगा ये आपके मॉड्यूल में डिस्कस भी नहीं है। वहाँ सीएनडीजी ऑडिट नहीं करता है, वो जैसे नॉर्मल आप ऑडिटर अपॉइंट करते हैं वैसे करते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन टाइप के कुछ फंडामेंटल्स है। एनीवेज, तो अभी अपने को जो है वो पढ़ते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसकी सारी की सारी सब्सिडरीज, साथ ही साथ में डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ब्रांच, जैसे कंपनी में ब्रांच बोलते हैं वैसे डिवीजन है। ब्रांच पे 143 सबसेक्शन 8 लगता है, यहाँ पे कोई चीज़ डिवीजन पे लगती है। तो अगर आपके डिवीजन पे रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं तो उसका भी ऑडिट होएगा, कोई नहीं अपॉइंट किया अलग से तो कंपनी ऑडिटर करेगा। डिवीजन पे ब्रांच कुछ मेंटेन नहीं हो रहे, सब सेंट्रलाइज मेंटेन हो रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ही रेलिवेंट नहीं है, सब सेंट्रल लेवल पर ऑडिट होगा। तो डिवीजन बोलते हैं यहाँ पे ब्रांच की जगह। वापस से आते हैं अपॉइंटमेंट का क्या रूल है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसकी सब्सिडरीज और डिवीजन सीएनडीजी करेगा। पर रेम्यूनरेशन सेक्शन 142 में डिसाइड होगी, यानी जनरल वोटिंग में शेयर होल्डर्स और एसडे में डिसाइड। अदर देन दिस नॉर्मली एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट होएगा और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे आपके रेम्यूनरेशन के। किसके? 142 के। यहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और एमसीक्यू भी आ सकता है कि आप मैक्सिमम 3 इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, जिसमें से 2 जनरल या 2 लाइफ। या तो 1 जनरल 2 लाइफ या 1 लाइफ 2 जनरल, बट टोटल ऑफ 3। यू कैन नॉट हैव 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑडिटेड और 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑडिटेड, वेदर इट इज सरकारी और प्राइवेट। सभी के लिए जॉइंट ऑडिट कंपलसरी है, मैंडेटरी। अगर आप देखेंगे एसबीआई लाइफ वगैरह में जॉइंट ऑडिट देखेंगे, एलआईसी वगैरह में, तो आपको 8-8, 10-10 ऑडिटर दिख सकते हैं। चलिए, देन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का ऑडिट करना अनिवार्य है। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, कभी आए तो आपको क्या लिखना है? नंबर 1, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भले ही फॉर्मेट नहीं दिया गया है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना गया है, हेंस इसका ऑडिट करना अनिवार्य। ऑडिटर को रिपोर्ट करना है क्या ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिटर्न्स के अनुसार बनाया गया है या नहीं,
और एज पर इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजंस बनाए हैं, प्लस साथ ही साथ में ट्रू एंड फेयर व्यू देता है या नहीं। इसी के अलावा आपको एक इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम रखना होगा जिसका एक ऑडिट होगा। इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसेसेस ऑडिट, जो ना तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर करेगा, कंपनी ऑडिटर, ना ही कॉन्करेंट ऑडिटर, ना ही इंटरनल ऑडिटर। एक अलग ही व्यक्ति आएगा और बोलेगा कि हमारी क्या इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है या नहीं है, ये उसको ऑडिट करके रिपोर्ट दी जाएगी। कभी CNDG अगर ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है या CNDG के द्वारा ऑडिट हो रहा है, जैसे कि GIC और उसकी सब्सिडरी में होता है, तो 143(5)(6)(7) लगेंगे। वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है, सप्लीमेंट्री कमेंट कर सकता है, 5 सप्लीमेंट्री ऑडिट कर सकता है, विच इज नॉट ऑडिटिंग व्हाट CA हैज डन बट एक्स्ट्रा ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट, एंड सबसेक्शन 7 चाहे तो टेस्ट ऑडिट करके देख सकता है कंपनी ऑडिटर ने काम ढंग से किया है या नहीं। बाकी ऐसे केस में जो कंपनी ऑडिटर होगा उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होगी जो एक नॉर्मल ऑडिटर की होती है, एक्सेप्ट वो अपनी रिपोर्ट CNDG को देगा। कारो एप्लीकेबल नहीं होता है, 2020 कारो इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बैंक इंश्योरेंस कंपनी। एंड एन इंश्योरेंस एक्ट 38 वर्सेज कंपनीज एक्ट 13 में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला चीज, सेक्शन 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया गया है, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज इंश्योरेंस एक्ट में नहीं मांगी गई है पर कंपनीज एक्ट में मांगी गई है, तो अगर वो चीज नहीं दी गई तो भी ऑडिटर ये नहीं बोलेगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। यानी आप यू समझ लो कि इंश्योरेंस एक्ट विल प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट। बेस्ड ऑन दैट द प्रोविजन सेज, पहला कंपनीज एक्ट के हम डिस्क्लोजर देंगे। 129 बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तब भी माना जाएगा दे रहे हैं जब उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कंपनीज एक्ट की, क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट में रिक्वायर्ड नहीं है। कंपनीज एक्ट, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी है तो लगेगा, सोसाइटी है तो शायद ना लगे, बट वो लिमिटेड है, और इंश्योरेंस एक्ट कंपनीज एक्ट पे प्रिवेल करेगा। इंश्योरेंस कंपनी अदरवाइज कंपनीज एक्ट से प्रिवेल कंप्लाई करेगी। इनफैक्ट सेक्शन 1 भी कहता है कि कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कंपनीज। चलिए कभी आपको एक शॉर्ट नोट आ जाए कि इंश्योरेंस कंपनी में IT एनवायरनमेंट में कैसे ऑडिट करोगे, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आ जाए तो ये सोचना इतना मस्त थ्योरी क्वेश्चन आ गया, पूरे मार्क्स लेके बाहर जाएंगे। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, IT एनवायरनमेंट है तो IT अपने को पहले ही कम समझ में आता है, तो लेट्स फेमिलियराइज आवर सेल्फ विद द IT। नंबर कभी भी IT में ऑडिट करना है तो पहले फ्लो समझना चाहिए, तो यू शुड अंडरस्टैंड द फ्लो। और सबसे सही तरीका ऑडिट करने का मालूम क्या होता है, ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करो, शुरू से आखिरी तक ट्रेस करो, पूरी ऑडिट ट्रेल निकाल लो। तो ट्रांजैक्शन ट्रेस एंड ट्रेल, इससे तुमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगी, तुमको एविडेंस भी मिल जाएंगे कि IT सिस्टम सही काम कर रहे हैं या नहीं। पर एक बार तुमको एविडेंस मिल गए तो फिर बस मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना कि भैया अभी जो IT सिस्टम है थ्रू आउट द ईयर वही था ना, चेंज तो नहीं हुआ। और अगर कंपनी में एक से ज्यादा IT सिस्टम है तो हर के लिए ये प्रोसेस लगाना, बस 6 स्टेप लिखना है, मार्क्स मिल जाएंगे तुम। चलिए अब आते हैं अपन शेड्यूल ए और बी के अंतर्गत। तो शेड्यूल ए आप देखोगे ICAI के मॉड्यूल में, तो LIC का पूरा अलग से ज्ञान दिया हुआ है, शेड्यूल बी का पूरा अलग से ज्ञान दिया हुआ है, मैंने कंपेरेटिव फॉर्म में 2-3 पेज में आपको दे दिया। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल ए LIC में कुछ पार्ट्स। तो जैसे पार्ट 1 है जो आपको बताता है भैया अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होना चाहिए, पार्ट 2 में बताया गया है कुछ डिस्क्लोजर क्या होंगे, पार्ट 3 बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय राउंडिंग ऑफ कैसे होगी, प्रीवियस ईयर फिगर कैसे दोगे, पार्ट 4 एक मैनेजमेंट रिपोर्ट बताता है। तो इस मतलब ये हुआ कि इसके अंदर टोटल 4 पार्ट है। सबसे पहले बताई गई अकाउंटिंग पॉलिसी, जो सिखाता है कि आपने अकाउंटिंग करते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो अपन सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं, किसका पार्ट 1 देख रहे हैं अपन, तो आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये शेड्यूल ए का पार्ट 1 है और ये शेड्यूल बी का पार्ट 1 है। अपन दोनों का पार्ट 1 देख रहे हैं साथ साथ। AS लगेंगे, सारे लगेंगे, एक्सेप्ट AS 3 में डायरेक्ट मेथड ही लगेगा, उसे रिसिप्शन पेमेंट नाम दिया जाएगा। AS 17 लगेगा ही लगेगा, भले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है सिर्फ लेवल 1 एंटिटी इसके ऊपर सेगमेंट रिपोर्ट लगता है, पर इंश्योरेंस कंपनी पे तो लगेगा। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अगर आप ख्याल रखेंगे तो AS 13 इज समथिंग विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उसमें डिटेल में नॉर्म्स दिए गए। नेक्स्ट प्रीमियम की बात करें तो ड्यू बेसिस पे प्रीमियम बुक किया जाएगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रीमियम ड्यू हुआ हो पर अभी रिसीव नहीं हुआ हो, चलता है क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आप जब पिछला प्रीमियम देते हैं तो उस केस में आपका प्रीमियम का एक पॉलर पार्ट होता है जो इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपने प्रीमियम नहीं भरा है तो हम वहाँ से उसको अलोकेट कर लें, नहीं तो पॉलिसी लैप्स होती है, उसे अपन बाद में अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, ऑडिट में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब नंबर 1 यहाँ पे ड्यू बेसिस पे प्रीमियम बुक हो जाएगा। पर अगर लिंक्ड बिजनेस है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, तो उस केस में जिस दिन यूनिट क्रिएट करेंगे उस दिन प्रीमियम बुक होगा,
यहां पर प्रीमियम जिस दिन आप रिस्क अज्यूम करोगे उस दिन बुक होगा और इसे डेफर करना होगा बेस्ड ऑन द रिस्क पैटर्न। तो ऐसा कहते हैं कि अगर साल खत्म होने तक आपका रिस्क खत्म नहीं हुआ है जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसका मतलब आपको कुछ प्रीमियम डेफर करना है, जिसके लिए अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बनाते हैं, आगे डिस्कस करें। क्लेम आपको जो भी पॉलिसी में क्लेम आपका बनता है उसको आपको प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ एनी क्लेम सेटलमेंट कॉस्ट। लेकिन जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अगर कोई ऐसा क्लेम है जो रिपोर्टेड बट नॉट पेड है, यानी 31 मार्च तक रिपोर्ट हो चुका है पर पे नहीं हुआ, तो उसका प्रोविजन बनेगा। यही नहीं, क्लेम्स विच आर नॉट येट रिपोर्टेड, यानी क्लेम्स विच आर इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, क्लेम्स इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, क्लेम्स इनकर्ड। पहला वाला है क्लेम इनकर हो गया, भैया यू समझ लो आपका 25 मार्च को गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हेलो 25 मार्च को लच्चे पर एग्जाम्पल गाड़ी चला रहे थे और सरस भाई एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी सूचना कब मिली? उसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी को मिली 3 अप्रैल। अब ऐसा तो है नहीं कि एक्सीडेंट होगा तो बोले सबसे पहले इंश्योरेंस ले। तो सूचना दी गई कि भाई हमारी मर्सिडीज गाड़ी खराब हो गई है, जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जरा क्लेम दे दीजिए। 3 अप्रैल को आया, क्या 31 मार्च पे आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा क्या? तो लॉस हुआ है 25 मार्च को, इंश्योर्ड थी गाड़ी, लेकिन 3 अप्रैल को क्या हुआ है उसका हमारे पास इंटीमेशन आया है। नॉर्मली तो हम बोलेंगे कि भैया इंटीमेशन ही नहीं आया तो हम प्रोविजन कैसे बनाएंगे, पर इंश्योरेंस एक्ट थोड़ा सा अलग है, ये शेड्यूल थोड़ा सा अलग है। ये साफ साफ बोलता है कि 31 मार्च तक जो भी आपके क्लेम्स हुए हैं उसका प्रोविजन बनाना है, फिर वो रिपोर्ट हुए हो या ना हुए। रिपोर्ट नहीं हुआ तो मुझे पता कैसे पड़ेगा? बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। लोन्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को तो लोन देना ही होता है, अगर कोई भी अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में गिरवी रख के लोन मांगता है तो देंगे। तो नॉर्मली आप देख लीजिएगा कि लोन आपका फुली सिक्योर्ड है, नहीं तो इंपेयरमेंट बनाना पड़ेगा। जनरल इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मल केस में अगर किसी थर्ड पार्टी को लोन देती है तो उसमें इंपेयरमेंट चेक कर लें। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू हो गया तो उस केस में से इंपेयरमेंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे प्रोविजन होंगे। बैंक्स में हम 90 डेज चलता है, यहाँ भी 6 महीने। एक्चुअरियल वैल्यूएशन, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी लाइबिलिटी का वैल्यूएशन हम आपने करवाना है, एक्चुअरी की मदद लेना है आपको। एक्चुअरी जो इंश्योरेंस, इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन जब ऑडिट करेंगे अपन पर डिस्कस करेंगे, ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी में, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। अलग अलग तरह के एक्चुअरियल मॉड्यूल्स होते हैं यहाँ पे, बट जो अजम्पशंस एक्चुअरी रहता है उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है। आपको ये इंश्योर करना है कि हमारे पास जो फ्यूचर में प्रीमियम आने वाली है और इन्वेस्टमेंट पे इनकम आने वाली है वो इतनी पर्याप्त है कि हमारी जो एस्टिमेटेड पॉसिबल फ्यूचर क्लेम्स है उससे ज़्यादा, नहीं तो फिर हमें प्रोविजन बनाना पड़ सकता है, वो प्रीमियम डेफिशिएंसी कहलाता है जनरल इंश्योरेंस में भी अपन आते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई भी जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर 4 साल से लंबे पीरियड के लिए जिसमें आपकी लाइबिलिटी आ सकती है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है इस तरह की, तो उसका एक्चुअरियल वैल्यूएशन कराना अनिवार्य, प्लस डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको एक्चुअरियल वैल्यूएशन के असम्पशन। इसके अलावा अगर आपने सपोज कोई पॉलिसी इस साल में बेची, आप समझो मैंने कोई पॉलिसी बेची 10 अप्रैल को, खत्म हो रही है वो अगले साल 9 अप्रैल, उस पर प्रीमियम मुझे मिला लेते 365 रुपीज, इस साल इनकम कितनी बुक करूँ? पूरा 365 बुक करूंगा क्या? नहीं, 9 दिन अगले साल जाएगा। फिर 12 अप्रैल को भी बेचिए, 10 अक्टूबर को भी बेचिए, 25 जनवरी को भी बेचिए, तो क्या मैं डे वाइज प्रीमियम कैलकुलेट करूंगा? तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप ये मान लो सारी पॉलिसी साल के बीच में बिकी है, तो जितनी पॉलिसी ईयर एंड तक खत्म नहीं हुई है उन पूरी पॉलिसी के आधे प्रीमियम को अपन उठा के क्या कर देते हैं, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। या फिर आप रिस्क पैटर्न असेस कर लो कि यार आपके कितने नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे मे बी आप इसको डेफर कर। हालांकि कुछ टाइप के इंश्योरेंस में रेवेन्यू रिकग्निशन पूरा अंत में होता है, जैसे अगर आप शिप के हल का इंश्योरेंस करोगे, यानी शिप एज ए होल का, तो उस केस में आपको अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व 100% बनाना पड़ेगा। तो वो जो भी प्रोविजन है ऑडिट के दौरान अभी अपन देखेंगे, उन सारे का अपने प्रोविजन बनाए, यानी अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बनाए। यानी ये देखो प्रीमियम डेफिशिएंसी क्या कहती है, अगर आपने पॉलिसियां बेच दी जो एक्सपायर हुई नहीं, जैसे मेडिक्लेम की पॉलिसी बेच दी, कोविड के खूब सारे क्लेम आने लग गए, अब हमने को लग रहा है यार अपन ने जो प्रीमियम चार्ज करी साल भर की, समझो आधी हो गई पॉलिसी, आधी प्रीमियम अभी इनकम बुक होना बाकी है, मिल तो गई है, पर इससे बहुत ज़्यादा क्लेम आने की उम्मीद है, तो फिर उसको बोलते हैं प्रीमियम डेफिशिएंसी, जिसको प्रोवाइड करना। कोई भी एजेंट को कमीशन दिया है, पॉलिसी लाके बेची, उसने आपको कमा के दिया है, तो पूरा खर्चा आपको खर्च करने का है वन शॉट, इसको डेफर नहीं कर सकते। अगर आप लिंक्ड बिजनेस कर रहे हो, विच इज़ बेसिकली इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है उसका एक पार्ट मोर्टालिटी प्रीमियम यानी रिस्क कवर कर रहे हो लाइफ का, और बचा हुआ पार्ट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी कहाँ, स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज में,
तो इसे कहा जाएगा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इसके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्रीमियम डेफिशिएंसी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अप्रोप्रिएशन हो सकता है कि आपको किससे अप्रोप्रिएशन करना पड़े, शेयर होल्डर फंड से और पॉलिसी होल्डर फंड से। तो नॉर्मली पॉलिसी होल्डर फंड से हम कोई अप्रोप्रिएशन फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज कर देते हैं, शेयर होल्डर फंड से जनरल इंश्योरेंस कंपनी कैटास्ट्रोफ रिजर्व वगैरह के लिए कर सकती है, हालांकि आज की तारीख में कंपलसरी नहीं। तो कभी अर्थक्वेक, एक्ट ऑफ गॉड का वही, अगर कोई नुकसान हो गया जो हमने अंडरराइट कर रखा है, तो किसी एक साल में एकदम से खूब सारा लॉस आएगा, तो वो चाहे तो पैसा अपना कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। कैटास्ट्रोफ रिजर्व आज बनाना जरूरी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मोटा पैसा इन्वेस्ट करती है। तो ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होएगा ये समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है तो लाइफ इंश्योरेंस में रिवैल्यूएशन वंस इन थ्री ईयर कंपलसरी है, पर जनरल इंश्योरेंस में रिवैल्यूएशन परमिटेड ही नहीं है। वहां पे इनफैक्ट डेप्रिसिएशन होगा, जैसे इंडेक्स 41 में होता है। एस में नहीं होता था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन, परमानेंट इन्वेस्टमेंट एस 13 पे मानते थे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए यहाँ बोलते हैं एज 13 एप्लीकेबल नहीं। तो इस पे डेप्री भी लगेगा और इम्पेयरमेंट बुक करना पड़ा तो वो भी करेंगे। और मजे की बात सुनो, फेयर वैल्यू आपको अलाउड ही नहीं है जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, बट सिर्फ डिस्क्लोज करना है। और यहाँ पे फेयर वैल्यूएशन 3-3 साल में करना कंपलसरी। अब आप बताइए, अगर आप फेयर वैल्यू पे लाओगे तो गेन लॉस आएगा, गेन लॉस कहाँ जाएगा? मजे की बात सुनो, अगर आपने ये जो पैसा इन्वेस्ट किया है ये पॉलिसी होल्डर का पैसा है तो इसका गेन लॉस भी रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, पर शेयर होल्डर के पैसे से किया है तो इसका गेन लॉस भी पीआरएल में जाएगा। तो गेन लॉस दोनों जगह जा सकता है। डेट सिक्योरिटी और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड जो तुम इंडेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पढ़ते हो वही लगता है यहाँ पे, यानी इट इज कैरीड एट कॉस्ट सब्जेक्ट टू अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट। लिस्टेड सिक्योरिटी है, तो तुमने कोई भी कोटेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया अदर देन थिनली ट्रेडेड। थिनली ट्रेडेड होता है जिसके किसी भी दिन पिछले 12 महीने में 10,000 से ज्यादा यूनिट ट्रेड नहीं हुए एक्सचेंज में, उसे फिर लिस्टेड जैसा नहीं मानते। लिस्टेड सिक्योरिटी फेयर वैल्यू पे मेजर होती है दोनों में, लाइफ और जनरल, पर इसमें गेन लॉस जो भी आएगा वो रिजर्व में जाए, गेन भी रिजर्व में, लॉस भी रिजर्व। तो फेयर वैल्यू रिजर्व का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ये कहाँ दिखेगा? इन्वेस्टर के पैसा है, सॉरी, अगर पॉलिसी होल्डर का पैसा है तो पॉलिसी होल्डर फंड में दिखेगा, यानी रेवेन्यू अकाउंट में। शेयर होल्डर का पैसा है तो शेयर होल्डर फंड में दिखेगा, इसका मतलब ये जाएगा पीएनएल अकाउंट। डिविडेंड बांटते समय अगर फेयर वैल्यू रिजर्व में डेबिट बैलेंस है तो आपके प्रॉफिट में से उतना माइनस करके फिर आप डिविडेंड बांट। हालांकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हो सकता है कि आपको परमिशन दी जाए कि फेयर वैल्यू गेन में से भी आप कुछ बोनस बांट सकते हो, किसको? पॉलिसी होल्डर को। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू रिजर्व का डिविडेंड के साथ क्या नाता है। तो नॉर्मली आप इससे डिविडेंड नहीं बांट पाओगे एक्सेप्ट IRDA बोनस परमिट करता है। डेबिट है तो पीआरएल से कम करना और फिर डिविडेंड बांटना, तो ये डिविडेंड का रूल है। कोई भी इंपेयरमेंट अगर आ रहा है तो आपको फिर उसे क्या करना है, यू हैव टू डेबिट इट टू व्हाट? रेवेन्यू अकाउंट और पीआरएल। यानी परमानेंट डिक्लाइन है तो फिर फेयर वैल्यू रिजर्व में नहीं जाएगा। सेल करने पे पूरा प्रॉफिट जो फेयर वैल्यू रिजर्व में रिसाइकल होगा, यानी OCIR जैसा है, पीआरएल में जाएगा या रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। और फेयर वैल्यू कैसे लेना है? लास्ट क्लोजिंग डेट की लोएस्ट प्राइस। NSE BSE में ट्रेड हो रहा है, दोनों में कहां पे कम प्राइस है वो लेना है। किसकी? लास्ट क्लोजिंग डेट ऑफ द लास्ट ट्रेडिंग डे। तो 31 मार्च का लेट्स से लास्ट ट्रेडिंग डे 29 के बाद ट्रेडिंग नहीं है, तो 29 मार्च को आपको क्या देखना है? दोनों मार्केट या जो भी मेजर मार्केट है उनमें से जिसमें भी क्लोजिंग प्राइस कम है उस पर वैल्यू करो। पर अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटी है तो कॉस्ट पे वैल्यू करो, और कोई परमानेंट डिक्लाइन तो बुक करो। यहाँ पे GIC LIC सेम। यानी मेन फर्क GIC और LIC में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के वैल्यूएशन में बहुत भारी भरकम फर्क है। चलिए, देन पार्ट टू आर अबाउट डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स में क्या दिया गया, लेट्स कम टू दैट। So very quickly, let's talk about the disclosures. These are given in the notes to the financial statement. Contingent liability आपको disclose करना है। Important बात ध्यान रखना, यहाँ पे partly paid investment contingent liability में दिखाए जाते हैं, ना कि capital commitment में, number one। बाकी similarly आपके कोई underwriting commitments outstanding है, insurance promise कर रखा है तो वो बता दीजिए। Claims not acknowledged as debt, कोई case लगा और आपने claim माना नहीं है उसको, कोई guarantee issue कर रखी है, कोई statutory liability में कोई क्लेम आपके ऊपर है जिसको आपने अभी माना नहीं है कि आपको प्रोविजन बनाना है उसका, या कोई री इंश्योरेंस ऑब्लिगेशन आपने ले रखी है तो उसमें आगे क्या रिस्क आ सकता है। एक्चुअल अजम्पशंस डिस्क्लोज कर दीजिए। कैपिटल कमिटमेंट अलग से भी डिस्क्लोज होंगे, पर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है। डेट सिक्योरिटी में अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड आप क्या फॉलो कर रहे हो बता दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कॉमन हुए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया सेगमेंट वाइज अकाउंटिंग,
और प्रेजेंटेशन कंपलसरी है, तो कैसे आपने बांटा? तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में रेवेन्यू अकाउंट मालूम है, अगर आप नेशनल इंडिया इंश्योरेंस का देखोगे तो आप यू विल बी सरप्राइज टू सी द रेवेन्यू अकाउंट फॉर दैट। ये इनके रेवेन्यू अकाउंट एक तो इंग्लिश हिंदी में, इनके 8-10 तो रेवेन्यू अकाउंट है। फायर इंश्योरेंस का अलग रेवेन्यू अकाउंट है, जनरल इंश्योरेंस का अलग रेवेन्यू अकाउंट है। ये देखो फायर रेवेन्यू अकाउंट बना, उसके बाद में फिर इनको मरीन का अलग बनेगा, अदर्स का अलग, अदर्स में फिर व्हीकल, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ओवरऑल इंश्योरेंस, ऐसे जमाने करके। तो कॉमन एक्सपेंस को आप अलोकेट कैसे करते हो ये बताओ। सर ये डिस्क्लोजर जनरल इंश्योरेंस या लाइफ, दोनों के कॉमन बता रहा हूँ अभी। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि गिव एनी 5 डिस्क्लोजर्स विच आर रिक्वायर्ड, तो इतने सारे पढ़ोगे तो 5 तो लिख के आओगे। आगे कोई भी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे मेजर हुआ है तो उसकी कॉस्ट, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अपन ने स्पेसिफिकली पढ़ा है कि आपको क्या करना है, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू दे, तो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैनेजरियल रेमुनरेशन कैलकुलेट करने का बेसिस, कोई भी चार्ज अगर आपकी एसेट के अगेंस्ट में, क्लेम एजिंग की कितने क्लेम है आपके, जो आपके अप्लाई होने के 6 महीने के बाद सेटल हुए हैं उसकी आपको देना है, विद इन 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स। और कोई भी अगर आपके इन्वेस्टमेंट है विच आर पेंडिंग का परचेज और सेल, डिलीवरी जिसके अंतर्गत पेंडिंग है, तो उसकी डिस्क्लोज दे दीजिए। जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस में ये डिस्क्लोजर है, यानी ऊपर वाले लाइफ और जनरल के कॉमन है, लाइफ के कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर नहीं है, जनरल में कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर। एक तो क्लेमलेस इंश्योरेंस कितना है, प्रीमियमलेस री इंश्योरेंस कितना है, अलग से बताना है। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसे भी रेवेन्यू में दिखी जाएगा आपको। देन एक्सटेंट ऑफ प्रीमियम इनकम रिकॉग्नाइज एज पर रिस्क पैटर्न, क्योंकि अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व बनता है तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप डे वाइज प्रोवरेटा कर दो या 50% 100% बेसिस ले लो, तो क्या यूज किया आपने। और अनरियलाइज गेन लॉस जो फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट में ले गए उसका डिस्क्लोजर। इन सब के अलावा दोनों को डिस्क्लोज करना है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, और कोई भी डिपार्चर फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ AS और IRDAI एंड द रीजंस फॉर इट। एडिशनली इन्वेस्टमेंट में आप बता देना क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, हेड ऑफ असेट होगा, तो आपको बताना है कि आपने इन्वेस्टमेंट एज पर स्टैच्यू किया है। जैसे क्या होता है, अगर आपने इंडिया में पॉलिसी बेची है तो उसका जो पैसा आया है वो इंडिया में इन्वेस्ट होगा, इंडिया के बाहर नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें एक डिक्लेरेशन मैनेजमेंट को देना है। देन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपके कोई, ये परफॉर्मिंग एसेट्स है, बेसिस टू एलोकेट इन्वेस्टमेंट इनकम बिटवीन पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स फंड, तो ये बता दीजिए। इसके अलावा कोई भी अगर आपके इन्वेस्टमेंट पे किसी प्रकार का कोई रोक टोक आ गया है, किसी ने लीन मार्क कर दिया है, सेक्टर वाइज बिजनेस, पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी, कुछ स्पेसिफाइड रेशियोज और अनक्लेम्ड अमाउंट। अनक्लेम्ड यानी कि आपका क्लेम है, या लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई और पैसा सामने वाला ले नहीं रहा है, तो ये सब डिस्क्लोजर में डालना है। ये एडिशनल डिस्क्लोजर है, इतनों में से 5 कभी आ गए एग्जाम में तो लिख देना। जनरल इंस्ट्रक्शन, सारी इंश्योरेंस कंपनी थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करती है, इनके पास परमिशन नहीं है ज़्यादा कम पे कर लो। तो आप देख लो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखोगे, यू विल फाइंड एवरीथिंग इज राउंडेड ऑफ इन थाउजेंड्स। ये देखो आप नेशनल इंश्योरेंस थाउजेंड में राइट ऑफ किया है, स्टेट बैंक उठाओगे ये भी देखो थाउजेंड्स में राउंड ऑफ किया है, तो ये कंपलसरी इन लोगों के लिए थाउजेंड्स में राउंडिंग ऑफ करना, प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिव देना कंपलसरी है। इन्वेस्टमेंट डिविडेंड रेंटल इनकम ग्रॉस बेसिस पे शो होगी, यानी कि इंटरेस्ट इनकम अलग, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग। प्रोविजन और रिजर्व का फर्क जो शेड्यूल 3 में होता है, यहाँ भी बताया है कि नॉन लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन है, नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाया तो रिजर्व, जरूरत से ज़्यादा बना दिया प्रोविजन तो एक्सेस पर रिजर्व मानेंगे। रिस्क कितना अपन रखते हैं और कितना अपन आगे दे देते हैं, तो हमारी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, जैसा ये इंडेक्स में भी इस तरह के कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी देना होती है। री इंश्योरेंस कितना लिया है, P&L का डेबिट बैलेंस है तो रिजर्व एंड सरप्लस में बताएं। बहुत ही एक स्ट्रेंज मैटर है जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। नॉर्मली हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट देते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही मैनेजमेंट रिपोर्ट भी आती है, यानी इसके ऊपर भी ऑडिटर को कमेंट करना होता है, तो वो इसका ऑडिट तो नहीं करता है पर इस पर सर्टिफिकेशन दे। तो जो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल ए और बी, किसका, ईडा 2000 रेगुलेशंस का, जिसके अंदर आप देखोगे तो ये कहा गया है कि जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दोनों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ एक मैनेजमेंट रिपोर्ट देंगे। ये रिपोर्ट कौन बना रहा है, मैनेजमेंट बना रहा है, ऑडिटर इस पर कमेंट करेगा, आगे देखेंगे इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिक्लेरेशंस आएंगे। जैसे कि हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सेक्शन 134(5) में देखते हैं, तो 134(5) तो पूरा का पूरा आएगा ही आएगा, इसके अलावा डिक्लेरेशन, जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट मीट करी। आपने ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन का पॉइंट देखा होगा तो मैंने बोला 100 करोड़ की बिल्डअप कैपिटल चाहिए। उसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की, कि आपको हमेशा सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना है, विच शुड बी 150%। Your asset should always be more than your liability and it should at least be 150% of your liability. So you have to maintain this.
तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देगा कौन? अपना मैनेजमेंट कि भैया हमने रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करी है, सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिक्वायरमेंट है कि FDI यानी बाहर वाले हमारे इंडिया में अगर उनको धंधा करना है तो इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी बनाना पड़ेगी और उनका इन्वेस्टमेंट जो 49% ऑफ शेयर कैपिटल हो सकता है और कंट्रोल जो होगा वो इंश्योरेंस कंपनी का इंडियन कंपनी का ही होना चाहिए। इट शुड बी ओन कंट्रोल मैनेज बाय दी इंडियन कंपनी, FDI मैक्सिमम 49%। तो आपको ये सब पे कन्फर्मेशन देना है कि हाँ हमने इसका पालन किया। तो गया कन्फर्मेशन, ऐसे याद कर लो, 3 पॉइंट हो गए। फिर कुछ सर्टिफिकेशन देने कि भैया हमने ड्यूज सारे पे कर दिया, वैल्यूएशन हमने जो भी किया सही किया, कोई भी एसेट उसका कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल से ज्यादा है ऐसा नहीं है, इंपेयरमेंट लॉस बुक किया। देन कोई भी पॉलिसी होल्डर के फंड हमने इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द लॉ इन्वेस्ट नहीं किया, तो दिस इज बेसिकली पॉलिसी होल्डर फंड्स। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन एज पर प्रिस्क्राइब नॉर्म्स किया है सर्टिफाइड, आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट नहीं किया, वो वाली बात हो गई। देन इसके अलावा हमने क्या रिस्क लिए हैं और कैसे उसकी हेजिंग की है री इंश्योरेंस या ऐसे, प्लस फॉरेन ऑपरेशंस कैसे हेज किए, असेट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट रेटिंग में भी इस तरह के कोई डिस्क्लोजर्स, ओवरऑल रिस्क एक्सपोजर और मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, एजिंग ऑफ क्लेम्स पिछले 5 सालों में, डिक्लेरेशन कितने समय में क्लेम पे करते हैं, पेमेंट टू इंटरेस्टेड पार्टी। तो बड़ा सिंपल है, आप याद रख लीजिएगा कि हमें, मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया है, आपको वहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है कंफर्मेशन के 3, सर्टिफिकेशन के 4, पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलेंगे याद रखने के लिए। कंफर्मेशन के कुछ पॉइंट है, सर्टिफिकेशन के, डिक्लेरेशन है और अदर्स, तो थोड़े याद आ ही जाएंगे। एंड फाइनली ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में जो बोला है वो सब तो है ही है, उसके अलावा नहीं, अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है GIC जैसा कंपनी नहीं है तो ये जो बोल रहे हो सकता है। सबसे पहले आया 143(3) में जो शुरू के 4 पॉइंट थे, ऑल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेंड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड, देन ब्रांचेस अगर हैं, डिविजन्स हैं तो वहाँ के रिटर्न्स आ गए, वहाँ की बुक्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है और बुक्स आर इन अग्रीमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स। फिर ई पॉइंट होता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहाँ से खत्म हो गया। तो पहले तो ये 4 पॉइंट हो गए, फिर इसके बाद अपने को एक ट्रेंड फेयर व्यू देना चाहिए और ये देना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर द इंश्योरेंस एक्ट। तब ने बोल दिया बैलेंस शीट, P&L, रेवेन्यू अकाउंट और रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर द इंश्योरेंस एक्ट एंड गिव्स अ ट्रू एंड फेयर। ये कॉमन हो गया, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बात करते तो अपन लिखते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट है और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंस है। तो ये जो ई पॉइंट यहाँ पे था वो यहाँ पर आ गया कि भैया हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और एक्ट अप्रोप्रिएट है। इन सब के अलावा आपको 4 चीजें और रिपोर्ट करना है, और ये कौन सी 4 चीजें आपको और रिपोर्ट करना है, तो आपको सर्टिफाई करना है, क्या सर्टिफाई करना है कि जो आपका मैनेजमेंट है उसने जो मैनेजमेंट रिपोर्ट दी है, जो अभी सर्टिफिकेशन कंफर्मेशन पढ़ा अपन ने, वो पर्टिकुलर मैनेजमेंट रिपोर्ट के अंदर जो दिए गए कंटेंट है वो हमने रिव्यू कर लिया और हम सर्टिफाई कर रहे हैं कि कोई फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट नहीं, ऑडिट नहीं करना है सिर्फ रिव्यू करना है और हमें कोई अपेरेंट मिसस्टेटमेंट नहीं मिला ऐसा सर्टिफाई करना है मैनेजमेंट रिपोर्ट। दूसरा अपन ने देखा इंश्योरेंस कंपनी में एक्चुअरी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं है एक्चुअरी के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के कंप्लायंस हुए या नहीं, सॉल्वेंसी मार्जिन प्लस 100 करोड़ की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो, और इन्वेस्टमेंट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो आप इसके लिए निमोनिक यूज करना चाहो तो आप लिख लो बहुत बुरी मरी है बहुत खराब, सॉरी सॉरी सॉरी, इंश्योरेंस और कंपनी का ऑडिट पढ़ने में तो बहुत लग गई, अब ये तो भूलोगे ही नहीं तुम कभी भी, तो कैसे याद रखोगे, मैनेजमेंट रिपोर्ट, एक्चुअरी, रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या बोलोगे, एक तो वैल्यूएशन प्रॉपर हुआ है और उसका एक अलग से ही पूरा पॉइंट है जिसको आपको सर्टिफाई करना है कि हमने कैश और सारी सिक्योरिटी फिजिकली वेरीफाई किए। इंश्योरेंस कंपनी अगर एज अ ट्रस्टी किसी का पैसा इन्वेस्ट कर रही है कि उसको मिला है एज अ ट्रस्टी, नॉर्मली हर कंपनी में इसका आएगा कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, तो वो प्रॉपरली किया गया। और फाइनली कोई भी पॉलिसी होल्डर का पैसा हमने कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया है, आउटसाइड इंडिया डाइवर्ट नहीं किया। ये आपका ऑडिटर्स रिपोर्ट हो गया दोस्तों, इसके साथ ये बड़ा सा जो आपका चैप्टर है उसका ये छोटा सा क्विक रिविजन हो गया, जितनी मैंने आपको बातें बताई सब आपको यहाँ पे ड्रोन चार्ट में मिलेगी। ये सारे नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं, लिंक में आप देख सकते हो। प्लस अगर आप एग्जाम में एटलीस्ट चाहते हो क्वेश्चन सही करके आ जाए, मैंने जो बोला उतना उतना सुन लोगे, फिर पढ़ोगे, आपको सब याद भी रहेगा, एग्जाम में लिख के भी आप आओगे, मार्क्स भी लाओगे।
बट आप चाहते हो बहुत सॉलिड तरीके से तैयारी करें तो फिर आप द्रोण चार्ट से रेफर करें, द्रोण चार्ट नहीं है तो स्टडी मटेरियल से पढ़े, उसी का फॉर्मेट है। पर ये थोड़ा सा मन को ज़्यादा लुभाता है, याद आ जाता है, विजुअल मेमोरी भी क्रिएट करता है, वहाँ ऐसा लिखा था यहाँ ऐसा लिखा था, तो इट इज अप टू यू। हाउएवर दिस इज पार्ट वन ऑफ आवर रिविजन, बिकॉज अब इंश्योरेंस कंपनी में इन सब के अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, तो ये हमने क्या डिस्कस करना बाकी है, तो अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस का ऑडिट करता हूँ तो लाइफ इंश्योरेंस में कुछ स्पेसिफिक एरियाज है, जैसे एक्चुरियल प्रोसेस हो गया, पॉलिसी हो गया, प्रीमियम हो गया, ये सब कैसे ऑडिट होगा। सिमिलरली जनरल इंश्योरेंस में भी होगा, और फिर री इंश्योरेंस है और को इंश्योरेंस है। तो ये चार पॉइंट हैं जो हम ड्रोन चार्ट से ही कवर करेंगे, वी विल नॉट मेक शॉर्ट नोट्स क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज बहुत छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं, विच विल टेक अप इन द पार्ट टू ऑफ द प्रिविजन। थैंक यू।